क्या आधार कार्ड से हो सकता है राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा? क्या आधार कार्ड में आपकी जानकारी महफूज नहीं है? क्या आधार कार्ड का डेटा लीक होने का खतरा है? ये वो सवाल हैं जो आधार कार्ड को लेकर आए दिन उठते रहते हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य करने के हक में है, वहीं इसके विरोध में आवाज भी उठ रही है। मोबाइल बैंकिंग समेत तमाम सुविधाओं से आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आधार कार्ड पर सवाल उठाए हैं। स्वामी का कहना है कि आधार कार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। दिस होल आधार सिस्टम इज फुल ऑफ लीक्स दैट आर पॉसिबल एंड देयर इज नो वे ऑफ डेटा प्रोटेक्शन प्लस इट इज इजीली ससेप्टेबल टू साइबर अटैक्स एंड दे कैन कॉज केओस इन द सिस्टम। सुब्रमण्यम स्वामी एक चिट्ठी के जरिए अपनी आपत्तियों को विस्तार से प्रधानमंत्री मोदी को अवगत कराने की बात कह रहे हैं। स्वामी के इस बयान पर बीजेपी प्रतिक्रिया देने से बच रही है, जबकि बीजेपी के बड़े नेता इस मामले में तब बेहद आक्रामक नजर आते हैं जब विरोध करने वालों में दूसरे दलों के नुमाइंदे शामिल हों। फिर थप्पड़ खाने की इच्छा है, हर महीना किसी न किसी विषय को लेकर कोर्ट में जाते हैं, अब थप्पड़ खा के आते हैं। इसका मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आता नहीं इनको, और हर कोई विषय कोर्ट में लेके जाना, तो लोग आपको चुन के क्यों भेजा है? आप अपना काम करिए, कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। कोर्ट बार बार बोलता है एक एक विषय पर कि इसमें कोर्ट का कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार ने धीरे धीरे 135 योजनाओं में आधार कार्ड को जरूरी बता दिया है। दावा ये कि अब तक 118 करोड़ आधार कार्ड जारी हो चुके हैं। इस पूरी कवायद के बीच बीजेपी के अंदर से उठी आवाज को नजरअंदाज करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।